गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो ये वीडियो है वो अपने पावर स्टार पवन कल्याण सर के एक रैली का है। ये दौलेश्वरम ब्रिज का है एरियल व्यू। तो आइए बिना किसी देरी के ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। ओके स्टार्ट। इतने लोग तभी आपके साथ हो सकते हैं जब वो आपको दिल से अपना मानते हैं। ये ब्रिज भी हिस्टोरिक है, इसको పట్టిన పట్టొక సెకండ్ అఖండమైన లోక బాంధవుడు అసలే లేకుండా పోతాడా? మూర్ఖుడు గడియారంలో ముళ్ళు కదలనీయకుంటే ధనాగమనం అంతటితో తలకిందైపోతుందా? కుటిల ఆత్మల కూటమికి ఒక త్రుటి కాలం ధ్యేయమొస్తే విశ్వ సృష్టి పరిణామం విచ్ఛిన్నమవుతుందా? ధనుజు లోకమేకంగా దారికట్టంగా నిలుచుంటే జనజాతి ప్రస్థానం పరిసమాప్తమవుతుందా? साइड में भी लोग हैं, इधर भी बोट पे हैं। సూర్యుడి నుంచి సూర్యుడికి 24 గంటల దూరం, మనిషి నుంచి మనిషికి 2 గుండెలే దూరం. అడుగు గ్రామం నుంచి సంగ్రామానికి 8 తుపాకుల దూరం అని, అడుగు గ్రామం నుంచి సంగ్రామానికి 8 తుపాకుల దూరం అని. बाप रे, मतलब पब्लिक देख रहे हो, ब्रिज पे 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। मतलब जैसा क्रेज है ना, इस बार पवन सर को चुनाव में जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब पब्लिक का सपोर्ट है उनके पास। आप जब किसी को दिल से मानते हो ना, जब दिल की गहराइयों से आप चाहते हो ना, तभी आप उनसे इतना प्यार कर सकते हो। जो पब्लिक उनके लिए पागल रहती है, वो भी पब्लिक के लिए पागल रहते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है ना, ये
अलग लेवल का होता है। तो ये जो वीडियो देखा आपने डोलेश्वरम बैरेज का एरियल व्यू था, ये जो ब्रिज है ये बना था तकरीबन 1850 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था, अंग्रेजों ने करवाया था। फिर बहुत सालों बाद 1970 में इस ब्रिज को वापस से बनाया गया, मतलब इसका पुराना कंस्ट्रक्शन जो है वो खराब हो गया था तो इसको वापस से बनाया गया, इसकी रिपेयरिंग की गई। तो जिन्होंने इसको बनाया था सर आर्थर, उनके नाम पे इस ब्रिज को रखा गया। तो अभी इसका जो नाम है वो सर आर्थर कॉटन बैरेज है या फिर गोदावरी बैरेज के नाम से भी इसको बुलाते हैं। पवन कल्याण सर की जो पार्टी है जनसेना, उसकी स्थापना उन्होंने की थी मार्च 2014 में और तब से लेकर अभी तक बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने गरीब लोगों के लिए, जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए। बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स हैं। तो जैसा कि अभी चुनाव आने वाला है तो पवन सर पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं प्रचार के लिए और मेरी यही दुआ है कि पवन सर जो चाह रहे हैं उनको वो मिले, उनकी पार्टी जीते। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं पवन सर के साथ। ओके, तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।